सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के एक फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा OnePlus 6 के 5 अपडेट के बारे में। ये मेरे पास OnePlus 6 का फोन है, एक्चुअली मिरर ब्लैक फोन है और इसके ऊपर मैंने ये व्हाइट स्क्रीन लगाई हुई है। गैजेट सेल से आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। चलो ठीक है, ये तो बात अलग है, लेकिन एक सवाल मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि OnePlus 6 को 5 अपडेट में क्या OnePlus ने पर्पजली स्लो कर दिया OnePlus 6T के मार्केटिंग के लिए या OnePlus 6T का प्रोडक्ट अच्छा बिकने के लिए। तो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो मेरे खुद के ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपका कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये OnePlus 6 के लिए जो सबसे पहला ओपन बीटा का अपडेट आया हुआ था पाई का, एंड्रॉइड 9.0 का, वो 2nd of September को आया था। और तभी हमारे चैनल पे वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था और शायद वो फर्स्ट वीडियो था इंडिया में जो हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ था। और तभी से लेके जितने भी ओपन बीटा के अपडेट्स आए, 3 अपडेट्स आए, उस 3 अपडेट्स के दौरान लगभग 15 से 18 दिन में कंटिन्यूस ये पर्टिकुलर फोन यूज़ कर रहा था OnePlus 6 एंड्रॉइड 9.0। उसके बाद स्टेबल वर्जन आया एंड्रॉइड 9.0, उसके बाद मैंने रोल बैक किया स्टेबल वर्जन में और उसकी भी वीडियो अपलोड की कैसे रोल बैक करना है और कैसे स्टेबल वर्जन को अपलोड करना है, अपडेट करना है। और स्टेबल वर्जन में भी मैंने काफ़ी दिन तक, लगभग 10 दिन तक OnePlus 6 को यूज़ किया एज माई प्राइमरी फ़ोन। लेकिन उस सभी एक महीने के दौरान मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि OnePlus 6 स्लो डाउन हुआ है या फिर उसमें कुछ इश्यूज आए हुए हैं, जैसे कि कुछ हीटिंग इश्यूज या फिर परफॉर्मेंस इश्यूज या फिर और कुछ इश्यूज। हाँ, एक नोटिसेबल इशू ज़रूर था जो कि ब्राइटनेस का, कि उसके ब्राइटनेस लेवल जब भी ओरियो पे था तभी 40% भी रख देते थे तो अभी काफ़ी हो जाता था, काफ़ी ब्राइट लगता था। लेकिन अभी 80% रखते तो उतना ब्राइट नहीं लगता जितना 40% पे लगता है। तो ये ब्राइटनेस लेवल का एक इशू ज़रूर है। अभी ये गूगल की तरफ से है या फिर OnePlus की तरफ से, इसका कन्फर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। और हालांकि फोर्थ ओपन बीटा अपडेट में भी ये इशू फिक्स नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से ये गूगल की तरफ से ही होगा, आने वाले दिनों में ये इशू भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी मैं ओपन बीटा 4 पे हूँ फिलहाल और स्टेबल भी यूज़ किया, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार इस पर्टिकुलर फ़ोन में कुछ लैग आया हुआ है, कुछ हीटिंग इश्यूज है, कोई भी इश्यूज है, कुछ बग्स है। हाँ, मुझे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स मिले कि हमारी कुछ ऐप्स चलती नहीं है इस फ़ोन में। ये हो सकता है कि डेवलपर ने उन ऐप्स को अपग्रेड ही नहीं किया एंड्रॉयड पी के लिए, तो पुरानी जो ऐप्स है जो ज़्यादा फेमस या पॉपुलर ऐप्स नहीं है वो ऐप्स नहीं चलती है एंड्रॉयड पी 9.0 पे, जैसे कि कुछ न्यूज़पेपर की पुरानी वाली ऐप्स थी जो डेवलपर अपडेट ही नहीं करते एप्लीकेशन को एंड्रॉयड 9.0 की कंपैटिबिलिटी के लिए, वो ऐप्स नहीं चलती। तो ऐसे काफ़ी सारी ऐप्स है कि जो 9.0 में नहीं चलती। इसके अलावा ऐसे कुछ ऐप्स है जो क्रैश हो जाती है, ये भी डेवलपर का ही इशू है ऐप का, ये फ़ोन का इशू नहीं है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि हमारे पुराने वर्जन में ये अच्छी चलती थी लेकिन अपडेट के बाद नहीं चलती, तो इसका बेसिक रीज़न यही है कि वो ऐप के जो डेवलपर है जिसने वो ऐप बनाई है उसने वो 9.0 के कंपैटिबिलिटी के लिए उस ऐप को अपडेट ही नहीं किया, इसलिए वो फ़ोन में बराबर से नहीं चलती या फिर क्रैश हो जाती है। तो पर्टिकुलरली ये किसी ने तो कम्युनिटी सेक्शन में डाल दिया कि यार OnePlus ने पर्पजली ऐसा कर दिया OnePlus 6T के सेल बढ़ाने के लिए कि OnePlus 6 का परफॉर्मेंस स्लो डाउन कर दिया एंड्रॉयड पी अपडेट के साथ। और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैल गई और फिर सभी लोग बोलने लगे कि यार ये सच है क्या, सच है क्या। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, ये पूरी न्यूज़ झूठी है। OnePlus ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिससे आपका परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाए, और OnePlus ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं OnePlus को OnePlus 3 के टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, 3, 3T, 5, 5T। अगर उनको खुद के फ़ोन का परफॉर्मेंस स्लो ही करना था तो वो OnePlus 5T के साथ भी कर सकते थे, क्योंकि आज भी अगर आप स्पीड टेस्ट की कंपैरिजन करोगे ना तो OnePlus 5T का फ़ोन रैम मैनेजमेंट में OnePlus 6 से भी ज़्यादा बेहतर काम करता है, और मैंने ये मेरे चैनल पे भी दिखाया हुआ था। तो OnePlus 5T का जो फ़ोन है वो आज भी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म दे रहा है। तो इसका अगर OnePlus को ऐसा करना था तो वो OnePlus 5T के साथ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। OnePlus 5T की भी बैटरी लाइफ आज भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो पता, मतलब ये पता नहीं किसी के मन में आ गया रहेगा कि क्योंकि एप्पल हमेशा ऐसा करती है, अगर आप जब भी एप्पल के फ़ोन पुराने हो जाते तो एक नए सॉफ्टवेयर अपडेट जरिए उस फ़ोन को स्लो डाउन कर देती है। उस क्या करती है कि उनके प्रोसेसर की जो सीपीयू क्लॉक स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देती है जिससे बैटरी कम कंज्यूम हो, ये एप्पल ने खुद ने भी एडमिट किया था। लेकिन OnePlus के बारे में ऐसा नहीं है, OnePlus CPU फ्रिक्वेंसी क्लॉक की कम नहीं करती है, जो है वैसे ही चलती है। इसलिए मुझे तो कभी भी परफॉर्मेंस में इश्यू नज़र नहीं आया, OnePlus 5T में भी कभी नज़र नहीं आया, OnePlus 6 में भी कभी नज़र नहीं आया। तो जिन लोगों को ये इशू आ रहा है, कुछ भी अगर हीटिंग का इशू मानो या फिर बैटरी लाइफ का इशू मानो, तो मेरी एक सलाह यही है कि आप एक बार कैश को डिलीट करके देखो रिकवरी मोड से, आपका इशू सॉल्व होता है क्या।
अगर उससे भी अगर आपका इश्यू सॉल्व नहीं होता है तो एक सिंपल सा एडवाइस है, अपने फ़ोन का डेटा का बैकअप ले लो और सिर्फ आपको अपने फ़ोन के सिस्टम सेटिंग्स को ही रिसेट करना है, इंटरनल स्टोरेज को डिलीट नहीं करना है। उसमें जब आप फॉर्मेट के ऑप्शन में जाओगे तो उधर एक ऑप्शन आता है कि वेदर यू शुड वॉन्ट टू डिलीट द इंटरनल स्टोरेज और नॉट, वो ऑप्शन आपको डिसेबल रखना है। सिर्फ सिस्टम सेटिंग्स को ही डिलीट करना है, जिससे क्या होगा आपके सभी एप्लीकेशन डिलीट हो जाएंगे, आपकी सभी सिस्टम जो सेटिंग्स है वो रिसेट हो जाएगी, लेकिन आपके जो फोटोज ऑडियोज जो वीडियोज जो भी है वो सही सलामत रहेंगे, डेटा सही सलामत रहेगा, सिर्फ एप्लीकेशन डिलीट हो जाएंगे। तो एक बार सिस्टम सेटिंग्स को रिसेट करने के बाद आप देख लो आपका फ़ोन काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाएगा, क्योंकि मैं मेरे फ़ोन में काफ़ी बार सिस्टम सेटिंग्स रिसेट हो चुका है, क्योंकि स्टेबल से ओपन बीटा से स्टेबल जाने के टाइम सिस्टम सेटिंग्स को रिसेट करना पड़ता है। तो मैं खुद सिस्टम सेटिंग्स ऑलमोस्ट 2-3 बार किया हुआ है, इसके लिए शायद ये रीज़न हो सकता है कि मेरे फ़ोन में कुछ भी मुझे इश्यूज़ नहीं नज़र आता है। तो एक छोटा सा सोल्यूशन है अगर आपके लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फ़ोन स्लो डाउन हुआ है या कुछ हीटिंग इशू है, तो बस एक 3-4 घंटे की बात है, आप फ़ोन का बैकअप ले लो और फिर सिस्टम सेटिंग्स को रिसेट कर दो और फिर दोबारा से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर दो, आपका फ़ोन सही हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि ओरियो से डायरेक्टली पाई पे आ जाते हैं, तो फिर अगर आपने सिस्टम सेटिंग्स को रिसेट नहीं किया है तो वो डर्टी फ्लैश माना जाता है और फिर कभी कभार फोन्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप एक बार ये ट्राई कर दो, अगर आपका इशू नहीं सॉल्व होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका ढूंढ लेंगे। लेकिन OnePlus ऐसा नहीं करती कि OnePlus 6T का सेल अच्छा हो इसलिए OnePlus 6 का परफॉर्मेंस स्लो डाउन कर सके। और OnePlus का जो बीटा प्रोग्राम है, उस बीटा प्रोग्राम में आपको एवरी 15 डेज कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता रहता है, और मैं पर्सनली बीटा प्रोग्राम इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा नए फीचर्स को पहले इस्तेमाल करने में मजा आ जाता है, क्योंकि वो स्टेबल में आने के लिए लगभग 1 महीना निकल जाता है, कभी कभार 2 महीना भी निकल जाता है। अभी आप OnePlus 5T की बात ले लो, OnePlus 5T में बीटा वर्जन में आपको सेल्फी पोर्ट्रेट दिया है लेकिन अभी तक वो स्टेबल में नहीं आया हुआ है। तो ऐसी काफ़ी सारी फीचर्स और चीज़ें रहती है जो ओपन बीटा में पहले आ जाती है, और वो ओपन बीटा काफ़ी स्टेबल रहता है, कुछ भी इश्यूज नहीं रहते ओपन बीटा में। मैं पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ, OnePlus 5T के टाइम से भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी उसको यूज़ करते हैं और मुझे कभी भी कुछ ऐसी दिक्कत उसमें नज़र नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हुआ रहेगा, अगर कुछ भी इशू रहेगा वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।